प्रयागराज कोतवाली थाना क्षेत्र के संजय मार्केट नेहरू कॉम्प्लेक्स में सुबह एक दुकान में आग पकड़ ली तो देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया और उसकी चपेट में लगभग 25 दुकानें आ गई हैं। इस नेहरू कॉम्प्लेक्स में लगभग 200 दुकानें हैं। व्यापारियों को सूचना दी गई तो मौके पर भारी भीड़ लग गई। राहत कार्य में लगभग एक दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी है। अभी आग पर काबू नहीं पाया गया है और धीरे धीरे यह अन्य दुकानों को अपनी चपेट में ले रही है। जानकारी के मुताबिक आग की चपेट में 200 दुकानें आई हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। पूरे इलाके में धुआं फैल रहा है। कॉम्प्लेक्स में कपड़े और प्लास्टिक के सामानों की दुकानें हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आ रही है। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। आसपास की दुकानें भी बंद कराई जा रही हैं। दरअसल जहां पर आग लगी है वो शहर का सबसे घना इलाका है। पुराने शहर में घंटाघर के ठीक पीछे आग लगी है। इस इलाके में 10,000 से ज्यादा दुकानें हैं। यहाँ लगभग 200 दुकानें हैं। लगभग हमारा मानना 50 दुकान पे आग लग चुकी है और आग बुझाने की व्यवस्था पूर्ण रूप न होने के कारण आग बढ़ती जा रही है। प्रशासन की शिथिलता के कारण आज ये स्थिति है कि नेहरू कॉम्प्लेक्स में आए दिन आग लगती रहती है। कोई स्थायी व्यवस्था न एडीए ने किया है न फायर प्रदेश सरकार ने किया है, इसलिए व्यापारियों का बड़ा भारी नुकसान यहाँ पर हो रहा है। लगभग 200 दुकानें इसके अंदर हैं। अब अभी तक 5 से 6 दुकानों में आग लगी हुई है। नहीं, 200 दुकानों में। और जिस तरह से आग तो कंट्रोल कर रहे हैं, आग फैलती जा रही है। लोगों के अनुसार 20 दुकानों में लगभग आग लग चुकी है। जहां तक अभी तक अनुमानता की बात है तो इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे व्यापारी इसमें पीड़ित है। बार बार यहाँ पर आग लगना उचित नहीं है। सरकार से भी मैं अनुरोध करूँगा कि इस पर कुछ कार्रवाई करें। आग से सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है बिल्डिंग में। इसमें आपका पहले भी आग लग चुकी है? बहुत मतलब आग लगी, कई बार आग लग चुकी है। आग लगने के कारण पता है? शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। चौक सबसे बड़ा मार्केट है, संजय मार्केट चौक का, और प्लास्टिक कपड़े के कारोबार होता है यहाँ पे। आग लगातार पकड़ती चली जा रही है। सुबह 7:30-8 बजे के आसपास से आग लगी है। आग अभी भी कंट्रोल में नहीं है। और दुकानें कम से कम 10-12-15 दुकानें जल चुकी हैं। करोड़ों नुकसान हो गया है। क्या व्यवस्था यहाँ पर हो रही है? फायर सर्विस की लापरवाही बहुत ज़्यादा है। पानी की व्यवस्था नहीं मिल पा रही, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। वही गिनती की गाड़ियाँ वही आ रही हैं, फिर वही जा रही हैं, उसकी वजह से आग बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, संजय मार्केट में देखा जाता है अक्सर आग लग जाती है, क्या पहले भी लग चुकी है? तो आज तक संजय मार्केट कोई व्यवस्था है ही नहीं। ये एडीए की बिल्डिंग है, एक बार बनने के बाद तो कोई आया ही नहीं आज तक यहाँ पर। कोई इसका सिस्टम है ही नहीं बिल्डिंग का। आप देख लीजिए कंडीशन बिल्डिंग की क्या है। चौक सबसे बड़ा मार्केट है और इतनी बड़ी सबसे बड़ी बिल्डिंग संजय मार्केट है। यहाँ